everyone, this is Nushad and welcome back to my YouTube channel NK Edukia. So मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे NCERT Class 10 Exercise 8.4 Question Number 5th का 8 Part. So let's see. I told you that there are total 10 parts. Question Number 5th के total 10 parts हैं. 1 to 7 part हम already कर चुके हैं. इस वीडियो में हम करेंगे 8th part. So let's come with me. Question क्या कहता है? Question same है. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. Means question कहते हैं you know कि what यहाँ पे जो angles involved हैं वो acute angles हैं. हमारे पास जो expression given है उसे prove करने हैं. क्या prove करने हैं? That this side is equal to this side. Means LHS equals to RHS और RHS is equal to LHS. कैसे prove करें? लॉजिक निकालनी होगी. कैसे प्रूव करें? सो लेट्स कम विद साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर इक्वल्स टू सेवन टेन टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए. क्या रिलेशन है? यू नो साइन कोसेक कॉस सेक का रिलेशन टेन से कैसे होगा? क्या करें जो कुछ रिलेट हो, कुछ ऐसे रिलेशन आए बीच में, मीन्स साइन कोस टेन कोट के बीच में रिलेशन है. सो यू नो व्हाट, सबसे पहले जो गिवन है हम उसे करके देख लेते हैं. ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके देख लेते हैं, राइट ना? सो हम इसे करते हैं, एलएचएस साइड करते हैं. सबसे पहले एलएचएस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए मींस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना. सो यू नो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो हम करेंगे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कोसेक ए कोसेक ए. ये हो गया हमारा फर्स्ट का. नेक्स्ट प्लस नौ कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर. क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस सेक ए टू कॉस ए एंड सेक ए टू कॉस ए सेक ए राइट ब्रैकेट क्लोज. नाउ लुक हियर, अब हम यहां देखेंगे. यू नो व्हाट, फर्स्ट को साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए. नेक्स्ट स्टेप कैसे करें? यहां देखें ध्यान से, प्लस टू साइन स्क्वायर टू साइन ए इंटू, ये इंटू है ना, तो कोसेक ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन ए में. यू नो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक ए, वन बाय कोसेक ए. और कॉसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन ए. कर सकते हैं कॉसेक ए इक्वल्स टू वन बाय साइन ए. सो वन बाय साइन ए प्लस नौ यहां भी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस देखेंगे टू कॉस ए सेक ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? वन बाय कॉस ए में, बिकॉज सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस. सेक ए इक्वल्स टू वन बाय कॉस ए. सो हम कॉस ए मीन सेक ए को कन्वर्ट करेंगे कॉस में. सो वन बाय कॉस ए ब्रैकेट क्लोज. नाउ अब बहुत ध्यान से देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. सबसे पहले हम साइन ए को और साइन ए को क्रॉस करेंगे. सिमिलरली कॉस ए एंड कॉस ए को क्रॉस करेंगे. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिन स्क्वायर ए प्लस टू टू वन जा टू प्लस कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए इसे रख कर लेते हैं राइट ना प्लस टू टू वन जा टू राइट. जस्ट लुक हियर, अब यहां ध्यान से देखेंगे साइन स्क्वायर
cos square equals to what? Sin square a plus cos square a equals to 1. Sin square a plus cos square a equals to 1. You know now? So, हम sin square और cos square दोनों को add करेंगे, means ये identity यूज करेंगे. So, sin square a plus cos square a equals to 1. Now, what is left? Cosec square a plus 2 plus sec square a. Now, next step हम क्या करेंगे? Cosec square plus cosec square a को हम इस form में written कर सकते हैं, identities 1 plus cot square a equals to cosec square a. So, cosec square a के place में हम क्या use करेंगे? 1 plus cot square a. प्लस टू. सिमिलरली सेक स्क्वायर ए को भी हम उस फॉर्म में रिटर्न करेंगे, यू नो, वन प्लस टेन स्क्वायर ए. वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू व्हाट? सेक स्क्वायर ए. दैट्स व्हाई सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे हम यूज करेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए. अंडरस्टैंडिंग? आ रहा समझ में? वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वेरी गुड, प्लस टू. नाउ वन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टू प्लस वन टेन स्क्वायर ए प्लस टू. नौ अब हम ऐड करेंगे टू वन थ्री, थ्री टू फाइव, फाइव वन सिक्स, सिक्स वन सेवन. क्या आया? सेवन. सेवन क्या है? सेवन, सेवन प्लस या सेवन तो आ गया. यस, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. सेवन वी हैव गॉट इट फाइनली. अब क्या लाना है? टेन स्क्वायर. यस, हियर इज टेन स्क्वायर. सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए और व्हाट इज लेफ्ट? कॉट स्क्वायर. कॉट स्क्वायर ए एंड दिस इज आर एच एस. यही हमारा आर एच एस है, राइट ना? हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ. इसलिए हम कह सकते हैं कि एल एच एस आर एच एस दोनों बराबर है, इसलिए प्रूफ हो गया. एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ. प्रूफ क्लियर? नो एनी प्रॉब्लम? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बहुत इजी है. सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट.